आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल पर यूपी के मंत्री असीम अरुण ने क्या कहा है, सुनिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम या तो 80 पूरा कर लेंगे या 80 के बहुत ही करीब होंगे, ऐसा है। और कारण यह कि जिस प्रकार मोदी जी ने गरीबों को जोड़ने का काम किया है, नए वोट कहां से आ रहे हैं, नई सीटें आ कहां से रही हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, आज भर भर के वोट सब लोग दे रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ दे रहे हैं। ये एक नया बहुत बड़ा वोट बेस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उसके आधार पे आज हम देख रहे हैं कि इतनी सारी सीटें भी हमारी बढ़ने वाली यूपी में और साथ साथ वोट परसेंटेज हमारा बहुत व्यापक तौर पे बढ़ रहा है। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता जेबीएस राठौर ने क्या कहा है वो भी सुनिए। कितना बड़ा ये एग्जिट पोल आ रहा है और पूरी तरफ से कमल ही कमल खिलते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी उस रणनीति में हम पूरी तरीके से सफल हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लिए, दुष्यंत कुमार जी की वो लाइन, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। एग्जिट पोल पर आरएलडी के नेता मलूक नागर क्या कह रहे हैं वो भी जानिए। एनडीए सरकार रिपीट कर रहा है और आजादी के बाद वो एक देश और था और आज के परिवेश में तीसरी बार रिपीट करना इस मॉडर्न देश में बहुत बड़ी बात है और मुझे तो लगता है आने वाले समय में मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीतापुर की, जहां पर सड़क किनारे खड़ी हुई रोडवेज बस में संदिग्ध हालत में आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई, ये बड़ी खबर है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा और आग पर काबू पाना पड़ा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भयावह आग लगी हुई है बस में, शहर कोतवाली इलाके से। उधर हरदोई में बिजली के पोल में आग लग गई और लोगों ने घर की छत से पानी डालकर पोल पर लगी हुई आग पर काबू पाया है। ये देखिए कॉलोनी के बीच में ये पोल जहां पर आग लगी पोल में, और ये आवासीय विकास कॉलोनी है जहां की घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते बिजली के पोल में ओवरलोडिंग और उनके चलते आग लग गई और आग बढ़ती जा रही थी, जिस पर लोग अपनी छतों से पानी डालते हुए नजर आए हैं और आग पर काबू पाया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए 11 लोगों के शव उनके गांव पहुंच गए हैं। अलीगढ़ के नया गांव में एक साथ 11 लोगों के शव पहुंचने से चीख पुकार मच गई, कोई भी अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा था। देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस समय शव पहुंचा उस समय यूपी सरकार के 3 मंत्री, सांसद, विधायक मौके पर मौजूद रहे। सभी मृतकों का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। जम्मू के अखनूर में यूपी की बस दुर्घटना का शिकार हुई है और इस हादसे में अलीगढ़ के 11 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का शव सुबह 4 बजे हाथरस लाया गया है, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है। हाथरस के मझौला गांव और नगला उदय सिंह के रहने वाले थे मृतक। उधर लखनऊ के ठाकुरगंज के बरीकला में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश कलीम के पैर में गोली लगी है। बदमाश कलीम पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश कलीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर, सलमान खान पर एक बार हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पनवेल में सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इसके बाद पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की भी योजना थी,
गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, जिन्होंने फार्म हाउस और कई शूटिंग वाली जगहों की आरएनडी की है। इन्हें सलमान खान पर AK-47 सहित कई अन्य हथियारों से फायरिंग करने का आदेश दिया गया था और पुलिस को ऐसे कई वीडियो आरोपियों के मोबाइल में बरामद हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन्हें। सलमान खान पर हमले का था प्लान। सलमान खान पर AK-47 से हमले का प्लान था। पाकिस्तान से हुई थी हथियारों की डील। और आइए आगे बढ़ते हैं और बदायूं से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में सड़क किनारे बैठे हुए 6 लोगों को पिकअप ने रौंद डाला। मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पिकअप चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर फिरोजाबाद में सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 की मौत, 5 घायल। रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मारी थी। ऑटो और कार की इस टक्कर में मरने वालों में एक महिला, एक बच्चा भी शामिल है।